नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ी छापेमारी की खबर, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहां कहां और क्यों मारी है ये PFI पर छापेमारी। तो हम आपको पहले ये बता दें कि PFI का मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि छापेमारी जिसे भारत का एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन कहा जाता है। हम आपको बताते हुए चले कि NIA की लगातार छापेमारी में यह सामने आया है कि वह दिल्ली समेत यूपी के लखनऊ, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई प्रतिबंधित संगठनों PFI के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें हम आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली के हवासी खाना में छापेमारी की गई है। जिस बिल्डिंग में छापेमारी की गई है उसका नाम बताया जा रहा है कि वह 2034 मुमताज बिल्डिंग है, और छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स मुमताज बिल्डिंग के बाहर तैनात किए गए थे। पूछताछ के दौरान यह भी बताया गया कि मुमताज बिल्डिंग में कुछ धार्मिक पुस्तकें छापने का काम किया जा रहा था, और यह भी बताया जा रहा है कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि और भी स्थानों पर यह छापेमारी इसी मुद्दे को लेकर की जा रही है। साथ ही हम आपको यह भी रिपोर्ट दे दें कि PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA के तहत बैन कर दी गई थी, जिसे गैर कानूनी गतिविधियां भारत केंद्र सरकार और साथ ही साथ तमाम संस्थाएं हैं जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुरानी दिल्ली का यह वह इलाका है जो काफी घना बसा हुआ है। साथ ही जब NIA की छापेमारी की जा रही थी उस दौरान मुमताज बिल्डिंग के आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी, और जब सुबह लोग सोकर उठे तो अपने घरों से जब वह बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि बिल्डिंग के बाहर NIA और पुलिस कर्मचारी मौजूद थे और मुमताज बिल्डिंग की तलाशी हो रही थी। अब हम आपको जानकारी देते हुए चले, द न्यूज 15 की टीम पुरानी दिल्ली के हवासी खाना मुमताज बिल्डिंग पहुंची तो वहां लोगों ने कुछ अपनी बयान में ये कहा। अब सुबह मैं 8 बजे आया हूं, जी 8 बजे आया हूं, ताला खोला हूं उन्हीं के सामने, अंदर आए हैं वो, पूछा उन्होंने, बताया मैंने, तो फिर वो सर्च करने लगे पूरी बुक। मैंने कहा देख लीजिए, पूरा बुक उन्होंने सर्च किया। किस मुद्दे पर वो छापेमारी कर रही है? अब यही तो नहीं पता है हमें, उन्होंने बताया नहीं, कुछ नहीं बताया होगा कि कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने इतना मुझसे कहा कि हम लोग NIA से हैं और आपकी तलाशी लेना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, आइए देख लीजिए। जी आप यहाँ पे पुस्तकें मतलब किस तरीके के रखते हैं, क्या बता सकते हैं? मतलब बुक्स हमारी स्कूल बुक्स हैं जो पब्लिक और मॉन्टेसरी स्कूलों में चलती हैं वो हैं, और उसके अलावा फिर इस्लामिक लिटरेचर हैं, बड़ों के लिए भी हैं, छोटों के लिए भी हैं, सभी के लिए हैं। तो कुछ उनको पुख्ता सबूत मिले हैं? कुछ नहीं, अब जो चीज़ था हमने उनको दिखा दिया। मुझे कि यहाँ पे जो NIA थी वो मतलब किस मुद्दे को लेकर आई थी? वो इस मुद्दे को लेकर आई थी, कोई किताब गलत वलत होगी उसके लिए आए थे, मगर वो वेरीफाई करके चलेगा। ये पता नहीं निकला होगा, सारे लोग आए थे NIA वाले, तो निकला तो वो चले गए, हम तो चले गए थे। कितने बजे? सुबह 5 बजे आए थे ये। हाँ तो आप थे उस टाइम? नहीं, मैं आऊँ यहाँ 8 बजे। अच्छा। तो यहाँ मालूम हुआ कि हौसलाजी पुलिस भी आई है, NIA वाले भी आए हैं, और वो ऊपर चढ़े हुए हैं, किताब विताब चेक कर। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल 10-15 साल से है। किसी ने मकबरी करी होगी, किसी की किताब छाप दी होगी, मकबरी करी होगी। कब से ये छानबीन चल रही थी?
ये बस सीट पास हुआ, मैं 5:30 बजे नमाज़ पढ़ रहा था जब वो एक आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने बुला लिया था, ले ली, कुछ होता तो मिलता, कह रहे हैं कुछ नहीं, अल्लाह ना करे, वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इनके पास कुछ निकलेगा, कुछ नहीं हो सकता। बहस शरीफ आदमी, जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपने बयान में क्या कहा, इन कार्रवाइयों का समुदाय और शहर के भीतर संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मैं हूं निम्मी गुरुंग, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15।